गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 4.3. हेयर आई एम रिटन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ एंड बोथ ऑफ देयर रफ डायग्राम्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज MORE. इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. दिस इज नॉट गिवन कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल. इन क्वेश्चन नंबर फोर रेक्टेंगल ओ के. सो OKAY. आपको क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है, चतुर्भुज भी बनाना है और रेक्टेंगल मतलब होता है आयत. आपको आयत भी बनाना है. अब देखो क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज होता है उसकी तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती कि भाई तुम इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी या फिर कोई एंगल इक्वल होगा. जो गिवन होगा, जो गिवन प्रॉपर्टीज होंगी हमें, उन्हीं से हमें रेक्टेंगल बनाना है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बनाना है. अब देखो हमें दिया है MORE. हम जो भी लाइन नीचे बनाना चाहें वो बना सकते हैं जो हमें गिवन हो. जैसे यहाँ 4.5 OR गिवन था और 6 भी गिवन था, तो मैं डायरेक्टली पहले क्या लिखती हूँ, यहाँ MORE ऐसे लिखती हूँ. बट आज मैंने O और R को नीचे लिखा है, M को ऊपर लिखा है. उसका रीज़न ये है क्योंकि O और R, एंगल O एंड एंगल R बोथ आर गिवन. सो आई रोट दिस लाइन. देखो OR गिवन है, सो MORE. एंगल ओ इक्वल टू 105, ओ आर इक्वल टू 105, एम इक्वल टू 60, एम ओ इज गिवन 6 सेंटीमीटर, ओ आर गिवन 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, रफ डायग्राम में सिर्फ इसको देख के बनाया है. अब आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ें गिवन होती हैं सिर्फ उनसे ही हमें डायग्राम बनाना है, खुद से कुछ नहीं करना है जब तक हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ गिवन नहीं दिया हो. तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम सेकंड डायग्राम कंप्लीट करेंगे. अब देखो मैंने ओ आर 4.5 सेंटीमीटर ली और मैंने एंगल ओ पे 105 डिग्री का कोण भी बना लिया. अब ये 105 डिग्री का कोण मैंने प्रकार से बनाया है, कंपास से बनाया है. ये कैसे बनाया? आप वो सारे एंगल बना सकते हो. जैसे देखो ये कितना है, 120 डिग्री, क्योंकि जो फर्स्ट आर्क होता है वो 60, दूसरा 120 और ये कितना है 90. तो 90 और 120 दोनों को अगर हम सम करेंगे, 0, 11, 2, ठीक है, 205, और आप 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 105. हम ऐसे सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे दो एंगल है कोई भी, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो जो बीच का एंगल होगा वो 105 होगा. ऐसे ही हम 90 और 60 से 75 का बना सकते हैं, क्योंकि 90 और 60 के जस्ट बीच में क्या आता है, 75. अब देखो मैंने 105 का कैसे कंप्लीट किया वो देख लीजिए. मैं क्योंकि देखो यहाँ भी 105 था, यहाँ भी 105 था, तो मैं आर पे आपको 105 बना के दिखा रही हूँ. पहले आपको एक आर्क लेना है कितना भी, उससे आपको हाफ सर्कल बनाना है 60 120. 60 से हमें पहले 90 बनाना है, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क. 90 के लिए आपको पता है ना दोनों से एक एक आर्क लगाना पड़ता है हमें. इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ. अब जब भी हम आर्क लगाते हैं हमेशा हमें सर्किल वाले पॉइंट्स को ही यूज में लेना है. तो देखो एक 120 से आर्क लग जाएगा, एक हो जाएगा 90 से. और जब हम इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 105. ठीक है, समझ गए. पहले 90 बनाना है फिर 105. अब देखो ये भी 105 है, ये भी 105 है. ये तो बन गया ओ आर. 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ली हमने, दोनों पे 105 का एंगल बना लिया. आप चाहो तो इसे डी से भी बना सकते हो. डी से बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 90 होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो. अगर 90 से लेस कोई भी नंबर है, 85 भी है, तो L की जो शेप होगी वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी. ठीक है, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस कम होगा. और अगर थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो L की जो शेप होगी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो ये D से जब भी आप दोनों साइड, क्योंकि आपके आप आधे बार कन्फ्यूज हो जाते हो कि हमें 85 दो जगह दिया है, 105 दो जगह दिया है, हम कैसे कौन सा लेना है. तो जब आपका एंगल कंप्लीट हो जाए तो आपको ये चेक कर लेना है कि अगर L की जो साइज है, जो ये कैपिटल L बना है, इसकी जो साइज है अगर वो 100 से ऊपर है तो थोड़ी सी बड़ी होगी, और 100 से छोटी कोई नंबर है तो वो छोटा होगा.
तो वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो ओ आर गिवन था 4.5, 4.5, 105, 105 दोनों बना लिए मैंने। एम ओ 6 सेंटीमीटर, तो ओ से एम कितनी दूर है 6 सेंटीमीटर। वी विल टेक एन आर्क फॉर 6 सेंटीमीटर, 6, कट एन आर्क टेकिंग ओ एज ए सेंटर, दिस इज द पॉइंट ओ। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री ऑन पॉइंट ओ सॉरी एम, टेकिंग एन आर्क मेकिंग हाफ सर्कल कट एन फर्स्ट आर्क दैट इज वॉट 60 डिग्री। और जब हम इसको मिलाएंगे एम ओ आर ई, ठीक है। देखो फोर्थ जो ई पॉइंट था हमें कहीं से भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट जो एंगल जाके मैच हुआ जहां पे कट हुए वो क्या हो गया डायरेक्ट ई हो गया। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ आर हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ली है, फिर एंगल ओ और आर पे टेकिंग ओ एंड आर एज ए सेंटर 105 का एंगल बनाया हमने, फिर ओ से कट एन आर्क 6 सेंटीमीटर, फिर एम पे हमने टेकिंग एम एज ए सेंटर एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ठीक है। लास्ट में बोथ एंगल्स बोथ रेज रे आर वाई एंड एम एक्स, वेयर रे आर वाई एंड एम एक्स इंटरसेक्ट्स वी गेट पॉइंट ई, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है आपको सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन की लेनी है, 7 सेंट ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर ओ के। अब आपको बनाना है दो, आपको पता है इट इज़ ए रेक्टेंगल सो ऑल द एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री, दिस इज 90, तो इन दोनों पे ही आपको क्या करना है 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं कंपास से ही बना रही हूँ और एक साथ ही बना रही हूँ, आप देखते रहना कैसे बन रहे हैं। दोनों पे हाफ सर्किल लिया, दोनों पे कट लगाया 60 120, यहां से लगाएंगे तो 60 120 90 एज वेल। 90 के लिए आपको पता है वेन एवर वी ड्रॉ दीज लाइन्स, देखो इतना तो बन गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, क्या गिवन है ए के कितना है 5 सेंटीमीटर, तो टेकिंग एन आर्क एज 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। अब देखो अगर ये 5 है तो ये भी कैसी होगी अपोजिट साइड इक्वल होगी, सॉरी ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो जब ये 5 सेंटीमीटर है तो आपको इधर भी कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर, वो आर्क थोड़ा सा मिस हो गया था। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे जॉइन, ये क्या हो गया ए एंड वाई। आपको लिखना है इन ए रेक्टेंगल, एक आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सामने सामने की भुजाएं, इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और बाकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। ये दोनों मैंने बना दिए हैं, बाकी दो और बचे हैं क्वेश्चंस, वो आपको खुद कंप्लीट करने हैं। ओके थैंक यू।